बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बनाई चाट, चना चाट, और इसमें मेरे छोले भी डाले हैं। और जो चीज़ें मैं डाली हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। लास्ट वीडियो में बनाई है मैंने बूंदी, तो मैंने छोटी वाली बूंदी भी बनाई थी और बड़ी वाली भी, इसी को इस्तेमाल किया मैंने आज चाट में भी। तो ये काफ़ी सारी बच गई हैं तो मैं इसे बंद करके सेव कर लूँगी। और इसे रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दही बड़े में भी, और ऐसे चाट भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने ये चाट कैसे बनाई है। दही फुलके बनाऊंगी जो हम दही बड़े में डालते हैं, दही फुलकी भी बना सकते हैं। छोटी वाली भी सिखाऊंगी और थोड़ी सी जो बड़ी होती है वो भी बताऊँगी। मैंने बेसन लिया था 1 कप, इसे मैं छान रही हूँ। जो नई लड़कियाँ हैं वो बेसन को छान के यूज़ करें, और मैं इसीलिए छान रही हूँ कि जल्दी बन जाती हैं और इस तरह गुठली नहीं पड़ती इसमें। ये हमने बेसन छान लिया है, मैं इसे हटा दूँगी। ये देखें, इसमें मैं डालूंगी नमक 1 टीस्पून, अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। जीरा डालूंगी मैं बिल्कुल थोड़ा सा, और थोड़ी सी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। एक बार थोड़ी थोड़ा पानी डाल के मैं इसे फेर लूंगी। और हमें इसे बहुत पतला नहीं करना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और इसमें कोई सोडा वोडा नहीं डालना है, ज़ीरा डाल सकते हैं और अजवाइन भी, और चाहें तो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा खाली ज़ीरा यूज़ किया, मुझे ज़ीरा ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसे छोड़ूंगी 1 घंटा, और जितना इसे छोड़ेंगे उतना ही अच्छी आपकी फुलकियाँ बनेंगी। या इसे छोड़ दें 1 घंटा। हम तेल गर्म कर रहे हैं और इसे मैंने छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए। ये हमारा रेडी है, और यहाँ पे मैं ये यूज करूंगी। तेल हमारा बहुत अच्छा सा गर्म है। जब ये गोल्डन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देख लीजिए, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ी बनाऊंगी। तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, और बिल्कुल जो बारीक वाली होती है, ये भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों बना के दिखा दिए। इसे भी हम गोल्डन करेंगे, फिर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने बना लिए 1 कप में इतनी सारी बनी है। या मैंने बिल्कुल बारीक वाली बनाई है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मोटी वाली बनाई है। दोनों मैंने बता दिया आपको कि आप इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी। तो ये मैं बना ली पापड़ी, थोड़ी सी मैंने बनाई है। और पापड़ी बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चाट में डालने के लिए ऊपर से ये हमारी हो गई है, मैं निकाल दूँगी। आज तेज़ कर दूँगी आज, ताकि ये खस्ता हो जाए, और बस 1 मिनट में मैं इसे निकाल दूँगी। तो आज हम बना रहे हैं इसकी चाट, और ये मैं लूँगी बारीक पानी। इसको भिगोना नहीं पड़ता है, और अगर जो मोटी बनाए मोटी वाली जो है उसे भिगोना पड़ता है। ये मैंने ले लिया। मैं इसमें डालूंगी थोड़े से आलू, बॉयल आलू, और इसमें मैं डालूंगी छोले, या मैंने बॉयल करके रखे हुए थे। मैं यहाँ 1/2 कप बना रही हूँ, आप लोग की मर्जी है, इसे ज्यादा भी बना के रख सकते हैं। इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे। यह मेरे लिए कुटी मिर्ची 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे।
इसमें मैं डालूंगी प्याज और टमाटर चॉप किया हुआ, थोड़ा सा मैं बचा लूंगी, ऊपर से डालेंगे। इसमें हम डालेंगे चटनी, और यह मैंने दही लिया है, दही को अच्छा सा फेंट लिया है, ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छा सा। हम इसके ऊपर डाल देंगे ऊपर से दही, चटनी डाल देंगे, प्याज और टमाटर। तो यह मैंने पापड़ी बनाई हुई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। यह हम डाल देंगे ऊपर से, ये देख लीजिए हमारी रेडी हो गई छोले बूंदी चाट। यहाँ पे ये बच गया तो मैं इसे बंद करके और इसे रख दूंगी। इस बूंदी को आप रायते में भी यूज़ कर सकते हैं, रायता बनाते हैं तो थोड़ा सा डालें इसमें, और ऐसी चाट भी बना सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला डालें ऊपर से, ये देखिए जी। तो उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चना चाट बनाने के बाद मैं आप लोगों से एक रेसिपी और शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं बनाऊंगी झटपट चिकन, और ये बहुत मज़े की होती है, यमी होती है और जल्दी बन जाती है। आपका दिल नहीं चाह रहा किचन में खड़े होने का तो आप ये रेसिपी बना लें, बहुत जल्दी बनती है और बच्चों को भी पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ मैंने लिए चिकन, और इसे मैंने धो के वाश कर लिया है। वाश करने की रेसिपी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। ये हम डालेंगे एक बॉल में। अगर आप बोनलेस से रेसिपी बनाना चाह रहे हैं तो बोनलेस से बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ मैंने लिए मसाले, कश्मीरी मिर्चें हाफ टेबल स्पून, चाट मसाला हाफ टेबल स्पून, कुटी मिर्चें 1 टेबल स्पून, जीरा मैंने थोड़ा सा लिया, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत। ये सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हम इसमें डाल देंगे लिया धनिया और थोड़ी सी सौंफ, हाफ टेबल स्पून धनिया लिया, हाफ टी स्पून सौंफ, इसको मैं कूट लूंगी। ये हम इसमें डाल देंगे, और हम डाल देंगे लेमन जूस, ये पूरा मैं लेमन डाल दूंगी। इन सब चीजों को मिक्स करेंगे अच्छा सा। ये देखिए जी मिक्स कर लिया, मिक्स कर लिया मैंने, मैं ऐसे छोड़ दूंगी आधा घंटा, आधे घंटे के बाद हम आगे बताते हैं। यहाँ देखिए जी मैं फ्राई पैन में एक पैन गरम कर रही हूँ, इसमें मैंने डाला ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून, ऑयल हमारा गरम हो गया, तेज़ गरम करना है हमें, और चिकन को आधा घंटा हो गया, अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन, हिला के डालेंगे। हम इसे 2 मिनट एक साइड से पका लेंगे। दो मिनट में एक साइड से भी पका लूंगी तेज आंच पे, ताकि दोनों साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए। इसे मैंने 2-2 मिनट एक साइड से 2 मिनट पकाया, फिर एक साइड से 2 मिनट पकाया, और फिर मैंने इसे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैं इसे दम पे रखूंगी, तो यहाँ मैंने इसे ढक दिया है, मैं दम पे रखूंगी इसे लो फ्लेम पे, कि चिकन हमारी अंदर से गल जाए, तो हम 10 मिनट के बाद इसे देखते हैं। ये देखिए मैं इसे खोल के देखती हूँ, आग तेज करके इसको भून लूंगी।
आँच तेज करके मैं इसे भून लूँगी। ये देखिए चिकन गल गई है, ये हमने इसे अच्छा से भून लिया है। मैं इसमें डाल दूंगी प्याज मोटी कटी हुई, प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, मैं इसमें डाल दूंगी, मिक्स कर देंगे। ऊपर से मैं डाल दूंगी लेमन जूस। ये देखिए जी हमारी रेडी है, अब मैं डिश आउट कर लूंगी। ये देखिए जी हमारी चिकन रेडी है और ये बहुत मज़े की स्पाइसी बनाई है मैंने। स्पाइसी वगैरह अगर आप लोग कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। तो ये मटर पुलाव चाइनीज़ राइस के साथ बहुत मज़े की लगती है, और अगर आप बिल्कुल देसी स्टाइल करना चाह रहे हैं तो दाल चावल के साथ भी अच्छी लगेगी। मैंने बनाई यहाँ पे सादे राइस और दाल है तो मैं इसके साथ सर्व करूँगी। आज की वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट दीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कॉमेंट्स का इंतजार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट दीजिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम है उसे भी फॉलो कीजिएगा, कुकिंग विद सर सैयद, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो डालती रहती हूँ मैं। और फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कीजिएगा, कुकिंग विद सर सैयद। वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतजार रहता है। और इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी नई वीडियो लेकर आऊँगी। अपने अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।